वैवाहिक कार्यक्रम में गए युवक की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जिले के रायपुर थाना अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम में गए एक युवक की बेलवा नहर के किनारे लाश मिली है। इस घटना को लेकर आक्रोशित परिजन गांव के ही दो युवकों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बेलवा थाना रायपुर कलचुलियान निवासी आलोक सिंह उर्फ राहुल गांव के ही एक विवाहित कार्यक्रम के लिए बीती शाम घर से निकला था। रात तकरीबन 11 बजे फोन पर परिजनों को यह बताया गया कि आलोक सिंह की मौत हो गई, जिसकी लाश नहर किनारे पड़ी हुई है। मृतक के नाक से खून निकल रहा था। इस घटना को लेकर परिजनों ने गाँव के ही दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि बीती रात राहुल गौतम नामक युवक आलोक को फोन करके बुलाया था। वह अपनी मोटरसाइकिल से घर से निकला, जिसकी मोटरसाइकिल मनगवा हवली के सामने मिली, जबकि उसकी लाश बेलवा गांव में ही नहर किनारे पड़ी हुई थी। इस घटना को लेकर जब परिजनों ने राहुल गौतम और संदीप सिंह से संपर्क किया तो उनका फोन बंद हो गया था, जो अभी भी फरार हैं। परिजनों का कहना है कि यही दोनों युवकों की तलाश कर उनसे पूछताछ की जाए। हालांकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम कार्यवाही हेतु संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ठाकुर राहुल हैं, हम उनके साथ गए थे बारात में। उनको राहुल गौतम बुलाए थे मनगांव में, पलिया में उनके कोई दोस्त की बारात थी, तो वो वहाँ चले गए। हमको पेट्रोल टंकी यहाँ भी में उतार दिए, तो हम वहाँ से पैदल बारात चले गए थे नर्मदा सिंह जी के यहाँ। और फिर वहाँ से पता चला हमारे पूर्व सरपंच गाँव के अरुण गौतम, वो वहाँ पर बातचीत बताया, मतलब कि राहुल का एक्सीडेंट मनगांव में हो गया है। तो हम सुने तुरंत वहाँ फ़ोन लगाए फिर राहुल के अपने, फिर राहुल का मोबाइल बंद था। तीन बार कॉल किया, फिर चौथी बार किए, फिर वो उठाए महेंद्र सिंह, तो बोले कि राहुल का डेड बॉडी यहाँ पुलिया पर पड़ा है, पड़ी है नहर पे ऊपर। वो कहाँ गए थे? कौन? आपके भाई जो है, हमारे आलोक भाई मनगांव गए थे। राहुल गौतम के दोस्त की यहाँ बारात थी, वो बुलाए थे, वो यही मतलब बता के गए थे। फ़ोन उनको आया था, हमको पेट्रोल टंकी के पास उतार दिए थे जी। नहीं, घर से बता के क्या निकले थे, कहाँ जा रहे हैं? वो पलिया बताए थे, मतलब गाँव ही में। हाँ, गाँव नहीं, गाँव से दूरी है, मनगांव से आगे। हाँ, फिर वहाँ से हमको पता चली, तो फिर हम गए टेंट वाले के साथ, बाइक से गए भाई के पास। फिर हमारे बड़े पापन के पास ऑटो है, नागेंद्र दादा, उनको लिए वहाँ से हम फिर उनको ऑटो में लिटा कर रीवा लेकर आए संजय गांधी पर। फिर यहाँ पता दिखाए तो भाई की मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल कहाँ पे खड़ी है? मोटरसाइकिल मनगांव पर खड़ी है, होटल में। और बॉडी कहाँ मिली उनकी? बॉडी मिली है नहर की पुलिया के ऊपर बेला पैकान में। आप लोग को क्या लग रहा है? इसमें संदेह यह है कि भाई की हत्या की गई है। किसके द्वारा? ये राहुल गौतम के द्वारा। अच्छा, ये लोग जो बुलाए थे दोनों? हाँ, राहुल गौतम जी, ये इनका फ़ोन बंद है। इनका कॉल हम लोग कल शाम से किए थे, यानी 100 बार किए थे। सुबह उनका कॉल एक बार उठा है, क्योंकि वीडियो है मोबाइल में। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश सिंह। कौन है आप? भाई हैं, मैं उनके चाचा का लड़का है जी।